हेलो लर्नर्स वेलकम टू चैनल तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वॉर्वमेंट की यूनिट फोर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ एम तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन विच इंटरमीडिएट एंड फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर रिफर्स टू तो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स दोनों के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन या फिर ऑप्शन डी ऑल तो करेक्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वो

ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंशियल से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो चाहे कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए हो उन सभी के लिए जो है इंटरमीडिएट करते हैं फैसिलिटेट करते हैं तो उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफ आईज आर ऑल्सो नॉन एज देखिए एफ आई एफ आई का मतलब ये हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो इनको हम किस और नाम से किस नाम से जानते हैं आपको बताना है ऑप्शन है सेवी बैंक पोस्ट ऑफिस मनी इंस्टीट्यूट है फिर डेवलपमेंट बैंक तो एफ आई यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी नेक्स्ट है द इम्पोर्ट टेंस एस एफ आई यानी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी एंट्रीब्यूटेडेड टू यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है तो ऑप्शन ए है दे दस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंश्यू इंडस्ट्री ऑप्शन बी है एस एफ आईज हैव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्माल स्केल इंडस्ट्री बी प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया या फिर ऑप्शन सी दे है हेल्प इन न्यू एंड स्मॉल अंतेपिनोरीटिंगअप इंडस्ट्री या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दबाब तो देखिए एस एफ आई स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनका मेन मोटिव ही होता है कि इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है बैकवर्ड एरिया में उसको जो है डेवलप करना नए नए आंतपिनो और स्मॉल आंतपिनोर को बढ़ावा देना वो इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री सेटअप कर सके उसमें हेल्प करना तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन क्या है इंपॉर्टेंस हैं ये एस एफ आई के इंपॉर्टेंस को शो करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करती है प्रोजेक्ट को डेवलप करती है नए और छोटे स्मॉल अंतरप्रीनोर को जो है प्रमोट करती है इंडस्ट्री को सेटअप करने में हेल्प करती है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन किया कर जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट है द आई सी आई सी आई वॉज फॉर्म्ड इन आई सी आई सी आई यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ये कब फॉर्म हुआ था 1952, 53, 1954 फिफ्टी या फिर नाइनटीन फिफ्टी फाइव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या कर है ऑप्शन डी 1955 1955 नाइनटीन फिफ्टी फाइव में आई सी आई सी आई वॉज फॉर्म्ड नेक्स्ट है एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ इंडियन बैंक आर फॉलिंग अंडर द आपको दताना कि कौन से बैंकिंग सिस्टम के अंदर अभी प्रेजेंट में सारे बैंक फॉल करते हैं आते हैं ऑप्शन ए है चेन बैंकिंग यूनिट बैंकिंग ब्रांच बैंकिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द तो देखिए आप नॉर्मली देखते आपके आपका अकाउंट किसी बैंक में खुला होगा तो क्या कहते हैं बैंक ब्रांच यानी सपोज करिए कि आप हजरतगंज ब्रांच है अमीनाबाद ब्रांच है या फिर कोई और ब्रांच है आपका तो वो ब्रांच यहां तो इंडियन बैंक किसके अंदर आते हैं ब्रांच बैंकिंग सिस्टम के अंदर आते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है आई डी बी आई सर्व एज दस्टीट्यूशन फॉर टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री देखिए आई डी आई क्या सेपरेट है आई डी बी आई जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जहां पे वो डिसीजन ले सकता है इंडस्ट्री से रिलेटेड फाइनेंस को फाइनेंस करने के लिए तो आई क्या होगा एपेक्स कैट आई आई टी या फिर नानोर्जी देखिए तो कैट क्या है मैनेजमेंट के लिए होता है आई आई ये भी एक इंस्टीट्यूशन जो कि जहाँ से इंजीनियरिंग कोर्स किया जाता है एपेक्स तो यहाँ पर एपेक्स बॉडी है आई टी बी सर्व एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री एपेक्स मीन इंडिपेंडेंट बॉडी होगी एक तरीके से तो ऑप्शन इज द गेट ऑप्शन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग तो देखिए एक साइड में ए बी सी डी नेम ऑफ द बैंक है दूसरी साइड वन टू थ्री फोर ईयर ऑफ स्ट्लिंग में है तो आपको इन दोनों को मैच करना है कि कौन सा बैंक कब सेटअप हुआ था फिर जो जो सही मैच है उसमें से नीचे वाले में से आपको आइडेंटिफाई करना है है तो कि एस बी आई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कब सेटअप हुआ था 1955 में सिड भी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये कब सेटअप हुआ था 1990 में नाबार्ड ऑप्शन सी है ये कब सेटअप हुआ था ये सेटअप हुआ था? था 1982 में वहीं पे एगजिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये सेटअप हुआ था नाइनटीन में तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर नीचे अधिक हाईलाइट हो गया तो ये ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन है तो एस जो है सेटअप हुआ नाइनटीन में सिड जो है नाइनटीन में नाबार्ड नाइनटीन में और एगज नाइनटीन में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ आईडीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है नीचे ऑप्शन में से तो ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस फॉर प्रमोशन और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री ऑप्शन बी है टू अंडरटेक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड सर्वे एज ऑल्सो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक स्टडीज इन कनेक्शन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑप्शन सी है टू एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट एंड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट दैट आर इन कन्फॉर्मिटी विद नेशनल प्रायोरिटीज या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस तो आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अब देखेंगे ऑप्शन ए बी सी तीनों ही है टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसर्च भी करता है सर्वे भी कंडक्ट करता है टेक्निकल इकोनॉमिक स्टडीज भी कंडक्ट करता है इंडस्ट्रीज रिलेटेड और लेंडर भी है ठीक है फाइनेंस प्रोजेक्ट को जो है पैसे प्रोवाइड करता है और नेशनल प्रायोरिटीज के साथ जो है रखता है तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है वो हो जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बैंक आपको बताना है कि नीचे दिए मैं कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है बैंक का ग्रांटिंग लोन कलेक्टिंग चेक्स या ड्राफ्ट कंज्यू कस्टमर्स फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर बैंक ड्राफ्ट देखिए लोन ग्रांट करती है चेक इशूज करती है ड्राफ्ट कस्टमर से लेती है बैंक ड्राफ्ट भी इशू करती है लेकिन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये बैंक का, का काम नहीं होता ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज का काम होता है तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ ये बैंक नहीं है तो ऑप्शन सी फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये प्राइमरी फंक्शन बैंक का नहीं है नेक्स्ट आई डी बी आई बैंक वॉज स्टैब्लिश इन तो आई डी बी आई बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था ऑप्शन तो ए है नाइनटीन सिक्सटी फोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नाइनटीन सिक्सटी फोर में स्टैब्लिश होता है सिडबी स्टैंड फॉर आपको पता है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है तो सिडबी देखिए आई डी बी आई का ये क्या है होली ऑन सब्सिडी है तो सिडबी क्या हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट है विच बैंक हैज बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल नाइन नाइनटीन नाइनटी में अप्रैल में गवर्नमेंट द्वारा कौन सा बैंक सेटअप किया गया था तो यहाँ पे कट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट विच वन इज होली ऑन सब्सिडी ऑफ आई डी आई जैसा कभी बताया मैंने कि आई बी आई का आई डी बी द्वारा होली ऑन सब, सब्सिड्री है आई बी आई का सब्सिड्री है तो आई डी बी आई 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 बी आई सीड बी या फिर आई एफ सी आई तो आई डी बी आई तो आई डी आई ऑलरेडी है तो तो सब्सिडी हो नहीं सकता तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सिड बी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया देखिए आई डी बी आई और एस आई डी बी आई यहाँ पर नाम में आ रहा है तो इसी से आप पकड़ सकते हैं नेक्स्ट है द बैंक सेटअप अंडर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन एटी फोर तो आपको पता है कि वो कौन सा बैंक है जो कि इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत नाइनटीन एटी फोर में सेटअप किया गया था आई आई बी आई सिड बी एस बी आई फिर आई डी बी आई करेक्ट ऑप्शन है आई आई बी आई इंडस्ट्रियल इन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये जो है सेटअप किया गया था इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1984 के तहत तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज कन्वर्टेडेडेडेडेड इनटू आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है किसमें कन्वर्ट किया गया था तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आई यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था नेक्स्ट है एस एफ स्टैंड फॉर एस जैसा कि शुरू में बता देंगे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस का मतलब होता है ये क्या कहते हैं ये स्पेशालाइज्ड यानी कि किसी स्पेशल फंक्शन के लिए ही ये हीस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए बने होते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं जैसे आप ये सारे के सारे देख रहे होंगे तो ये क्या है इस पर एस एफ हैं स्पेशल फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज फाउंडेड इन 1988 एज ए ज्वाइंट वेंचर विद द यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो लेटर बिकम फुली ऑन सब्सिडी ऑफ आई सी आई सी 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 आई आपको बता दें निजी में से कौन सा है जो कि यू टी आई के साथ जो है पहले जॉइंट वेंचर में नाइन्टीन एटी एट में शुरू हुआ उसके बाद वो होली सब्सिडी बन गया आई सी आई सी आई का यानी आई सी आई सी आई वेंचर फंड लिमिटेड का तो टी डी आई सी आई टी एफ सी आई आर सी टी सी या फिर आई एफ सी आई देखिए इन सब के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए तो टी डी आई सी आई जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा टी डी आई सी आई यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टी क्या है टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आसी क्या है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आई क्या है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सब के हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही बने होते हैं तो यहाँ पे टी टी यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये जो है यू के साथ ज्वाइंट में शुरू हुआ था नाइनटीन में उसके बाद ये फिर फुली ऑन सब्सिडी हो गया था आई आई का नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉ एस एफ आई यानी कि नीचे दिखे में से कौन सा एस एफ आई स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ऑप्शन ए आई डी आई ऑप्शन बी आई सी आई सी आई वेंचर फंडिटेड ऑप्शन सी ए टी एफ सी आई यानी टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑप्शन डी है आई वी सफ यानी इंडस्ट्रियल वेंचर कैपिटल फंड देखिए तो जैसा कि बताया कि एस एफ आई क्या है स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी स्पेसिफिक परपज़ के लिए जो है हो बने होते हैं सेटअप किए गए होते हैं तो आई डी बी आई क्या है आई डी आई जनरली सभी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती है और उसके अलावा भी सारे जो है फंक्शन परफॉर्म करती है लेकिन ICICI वेंचर फंड्स लिमिटेड या फिर TFCI जो कि टूरिज्म से रिलेटेड है और IIF जो कि वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करता है, के है? है। तो तीनों क्या है एसएफआईज है यानी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा पूछा गया कि नॉट एसएफआई तो IDBI जो है वो एसएफआई नहीं है तो आई के न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हेल्प करता है नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आपको बताना है कि से कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं एल आई सी यू टी आई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जी आई सी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर आई सी आईसी वेंचर फंड्स लिमिटेड तो देखिए आई सी आई सी वेंचर फंड्स लिमिटेड ऊपर ही आपने देखा क्या यह एस एफ आई है स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया कि नॉट ए इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट है विच वन इज़ सेटअप फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन द कंट्री तो आपको पता है ना कि वो एस एफ आई कौन सा है यानी स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और उसको ग्रोथ उसकी ग्रोथ के लिए जो है सेटअप किया गया है तो आपने अभी पीछे ही देखा था टी एफ सी आई टूरिज्म फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टी एफ सी आई जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बना है नेक्स्ट है एस एफ सीज स्टैंड फॉर एस एफ सी इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हर स्टेट का अपना अपना खुद का फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है तो जिस भी स्टेट का फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होगा उसका नाम आप लगा दीजिए जैसे यू यू की बात करें तो यू पी एस एफ यू पी एफ सी होगा ठीक है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन करेट ऑप्शन होगा यहाँ पे एस एफ सी का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि यू पी एफ सी इस तरीके से मध्य प्रदेश का है तो एम पी एफ सी आंध्र प्रदेश का है तो ए पी एफ सी ठीक है हर स्टेट का अपना अपना फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होता है होली ऑन अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेटअप विद एम ऑफ प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द रेस्पेक्टिव स्टेट आर नॉन एज तो आपको बताना कि हर स्टेट का अपना अपना एक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं हर स्टेट का अपना अपना होता है तो उसको क्या कहते हैं एसआईडीसी एसएफआई या एआईडीबी या फिर ऑप्शन डी ऑल तो देखिए हर इंडस्ट हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है तो उसको कहते हैं एसआईडीसी यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो हर स्टेट का होता है तो यूपी का है तो यू पी एस आई डी सी मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश एम पी एस आई डी सी आंध्र प्रदेश का है तो ए पी एस आई डी सी ठीक है इसी तरीके से हर स्टेट का होता है जिस स्टेट का है उसके आगे, आगे आपको उसके स्टेट का नाम लगा देना है और एस आई डी सी लगा देना है एस एफ सी में भी यही था और एस आई डी सी में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कॉरपोरेशन सेटअप किया था जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑन किया जाता है तो ये कुछ एमसीक्यूस थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हम सीक्यूज जल्दी डिस्कस करें विशू ऑल द बेस्ट की वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू